हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम वेलकम टू नॉलेज मी। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आई है। दरअसल सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण को शुरू कराने के लिए दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से मुलाकात की है और उनसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट शुरू कराने का आग्रह किया। इस पर मंत्री ने पप्पू यादव को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही अधिकारियों से बात कर पूर्णिया एयरपोर्ट का काम शुरू कराएंगे। इतना ही नहीं, मंत्री ने सांसद पप्पू यादव को अपने अधिकारियों से मिलने को भी कहा है ताकि तत्काल काम शुरू कराया जा सके। सुनिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। बताइए आप थोड़ा क्या है? ये एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, फिर वहाँ पे टर्मिनल। इसका उद्घाटन मंत्री कर चुके हैं। नहीं नहीं सर, ऑनलाइन से कर दिया। अच्छा, तो जमीन 250 एकड़ हो गया, सारी चीजें हो गई। और ये वादा हुआ था, उम्मीद था गए तो बोल भी दिए कि एयरप्लेन मैं पहले चला दूंगा चुनाव भी पहले, जबकि सिर्फ जमीन एक्वायर हुआ। पैसा अभी तक किसान का आंदोलन चल रहा था जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया, तो पैसा उसको फुल टाइम मुआवजा मिलना चाहिए जो नहीं मिला है। तो पैसा राज्य सरकार को देना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए था, वो क्लियर नहीं हुआ। बस इसको थोड़ा सा पुरस्कृत होगा 6 महीने के अंदर। तो हमारी जरा अच्छा, जब आप ये मुआवजा के लिए तो उनको ही लिखना होगा। आपके यहाँ से मतलब आपका जब जैसे ही जाएगा मतलब होगा कि क्यों आपके तरफ से सब कुछ हो चुका है। ठीक है ठीक है, सारी चीजें हो चुकी। हम तो इतना दबाव डालेंगे कि जल्दी हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो जमीन दे दीजिएगा। तो क्लियर, जमीन दे दिया है, जमीन दे दिया है। किसान का आंदोलन चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये लोगों ने क्या किया कि किसान का पैसा जाकर के कोर्ट में जमा कर दिया यार, दिया नहीं उनको, मैं कोर्ट में जमा कर दिया। जब किसानों ने किसानों को दिया नहीं, अभी पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में जमा कर, तो आंदोलन में मुश्किल होगा। मैं कोर्ट में जमा कर दिया, तो उनका उन लोगों का कहना है कि एक जमीन है जो साइड से आपको लेना है, जो गलत जहाँ पर घर था, खेती वाली जमीन नहीं ले करके घर वाला जमीन कुछ ले लिया। उनका कहना था कि एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट जी पूर्णिया। अभी मैं कल ही आप आएंगे ना, तो उधर हमारे अधिकारी होंगे, उनको बुला के थोड़ा पता चल जाएगा। सब कुछ उधर के सामने आपके जो भी राय होंगे उसके मैं 3 बजे आऊंगा।